सो हे गाइस, वेलकम यू ऑल वकैफ के दूसरे दूसरे वीडियो में। फर्स्ट वीडियो जो है हम कल करा दिए थे, और ये हमारा दूसरा वीडियो है। वकैफ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एयरफोर्स की एग्जाम में, नेवी की एग्जाम में। इससे जो है ना डायरेक्ट एक नंबर, इससे डायरेक्ट आपको नंबर मिल जाएंगे, डायरेक्ट नंबर आते हैं इसमें, 4-5 नंबर तो इसमें श्योर रहता है। तो वो कैब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ग्रामर का जो सेक्शन, जो ग्रामर का जो वीडियो सब कराए हैं वो सभी देख लीजिएगा, ताकि आपका जो है ना इंग्लिश में, जो इंग्लिश जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, वहाँ से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ठीक है, वो कैब का दूसरा वीडियो। तो पहला हम लोग ईडियम से स्टार्ट करते हैं। पहला है इसमें टू कीप द पॉट बॉइलिंग। देखिए इसको आप ये कैसे याद कर सकते हैं, टू कीप द पॉट बॉइलिंग। इसको आप कुछ हिंट देकर के आपको समझाते हैं, तभी याद होगा। हिंट देकर के कुछ याद कीजिएगा, तभी याद रहेगा हमेशा के लिए। तो इसका मतलब देखिए ऐसे समझ सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए घर में आपके जो है ना कोई मेहमान आते हैं, ठीक, कोई गेस्ट आया, तो उसको उसको जो है ना आप चाय पिला दीजिए एक दिन, फिर दूसरे दिन भी पिला दिए, तो आप रोज़ रोज़ आ रहा है, लेकिन आप जो है ना उससे रोज जो आ रहा है, और आप जो है उससे बोर नहीं हो रहे हैं, आप आप उसमें इंटरेस्ट लिए जा रहे हैं कि आ रहा है उसको, आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब कि रोज़ आप पॉट में जो है चाय रख के पिला, उनको गर्म करके पिला दे रहे हैं, तो हमेशा जो है आप उसको चाय पिलाया जा रहा है। वाटर बॉइलिंग, पॉट बॉइलिंग का मतलब कि समझिए ना कि चाय हम उसको पिला रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि टू मेंटेन इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो आप थोड़ी ना उसको चाय पिलाइएगा, एक दो दिन आएगा, 3 दिन, उसके बाद आप चाय नहीं पिलाइएगा। तो इस तरह से आप थोड़ा समझ सकते हैं। बी आउट फॉर द काउंट, बी आउट फॉर द काउंट का मतलब मान लीजिए ऐसे समझिए कि एक आपके मोहल्ला में एक लाइन लगा करके कुछ बांटा जा रहा है, और आप जो है ना उस गिनती में 1-2-3 करके वहाँ पे गिन रहा है आदमी को कि एक नंबर आया है, 2 नंबर आया है, ऐसे करके, तो और वहाँ पे आप जो है नहीं, तो इसका मतलब होगा कि स्लीपिंग डीपली, आप जो है ना उस काउंट से बाहर है। बी आउट फॉर द काउंट, उस काउंट से बाहर है, इसका मतलब क्या है, आप बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, ठीक। स्पीफ ऑफ, स्पीफ ऑफ का मतलब होता है क्या, कि अपने आप को जो है ना थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत अच्छा साफ सुथरा, एकदम थोड़ा अच्छा दिखना, बनाना दिखने में। टू कीप वन सेल्फ लुक नीट, जो है ना आप थोड़ा साफ सुथरा दिख रहे हैं, तो उसको हम स्पीफ ऑफ बोलते हैं। विंड डाउन का मतलब होता है, देखिए विंड डाउन का मतलब होता है टू रिलैक्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्टिविटी। इसको आप पैसे याद कर सकते हैं हिंट में, जैसे मान लीजिए गाँव में जो वो क्या होता है, जैसे गेहूं कटाता है, उसके बाद में थोड़ा देर के लिए ना हवा को मान लीजिए हवा थोड़ा देर के लिए रुक गया, तो गेहूं काट रहा है, उसे मेहनत लग रहा है, ठीक, पूरा पसीना आया हुआ है, तो उसमें मान लीजिए थोड़ा देर के लिए हवा रुक गया, तो आप क्या कर रहे हैं, उस थोड़ा देर के लिए आराम कर, थोड़ा देर के लिए रुक गया कि फिर हवा चलेगी तो फिर हम काटेंगे, अच्छा से मन लगेगा हमको काटने में गेहूँ को। तो वहाँ पे इसका मतलब यही होगा कि टू रिलैक्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्टिविटी, कुछ हम एक्टिविटी कर लिए, उसके बाद में हम थोड़ा देर के लिए रुक जा रहे हैं, फिर मान लीजिए हवा आएगा, विंड बहना स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद हम फिर काटना शुरू करेंगे, फिर काम करना शुरू करेंगे। तो वही हुआ विंड डाउन, हवा रुक गया, इसका मतलब हम थोड़ा देर के लिए रुक जाते हैं, रिलैक्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्टिविटी। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं, कुछ भी हिंट दे सकते हैं आप। अगर मेरा हिंट आपको अच्छा ना लगे तो आप अपना हिंट बना सकते हैं, ठीक। टू कट द गॉर्डियन नॉट, टू कट द गॉर्डियन नॉट का मतलब कि मान लीजिए गॉर्डियन को ऐसे आप गार्जियन से याद कर सकते हैं, मान लीजिए आपके घर के जो मम्मी पापा गार्जियन है, तो वो जो है ना एक बहुत बड़ा रस्सी से ना बांध दिए हैं, बहुत मजबूत नॉट बना दिए हैं रस्सी से, और बोल दिए हैं कि इसके बाहर ना तुमको नहीं जाना है, तो इसके बाहर तुमको नहीं जाना है, और आप क्या किए कि उसको काट दिए, ठीक, उसको काट दिए, तो समझ रहे हैं ना कि वो जो है नॉट जो है बहुत ज़्यादा कठिन काम था उसको काटना, लेकिन आप उसको काट दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टू सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था ना उसको नॉट को काटना, इस नॉट को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था काटना, लेकिन आप जो है काट दिए इसको रस्सी से, यहाँ से काट दिए, तो इसका मतलब है कि आप डिफिकल्ट जो प्रॉब्लम था उसको आप सॉल्व कर दिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब आते हैं सिनोनिम्स में। पहला है कैपिचुलेट, कैपिचुलेट का मतलब होता है कि सरेंडर। ये हम लोग एयरफोर्स में चाहे कि कहीं भी नेवी में जो फौजी होते हैं वो लोग क्या बोलते हैं, वी कैन बी बी हेडेड बट
बट नेवर कैपिचुलेट, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग सर कटा सकते हैं मगर सर झुका नहीं सकते, ठीक है, हम लोग सर कटा सकते हैं मगर सर झुका नहीं सकते, वी कैन बी बीहेडेड बट नेवर कैपिचुलेट, ठीक, वो हम देख सकते हैं, कैपिचुलेट का मतलब होता है कि हम सर झुकाएंगे नहीं, मतलब सरेंडर नहीं करेंगे अपने आप को, कैपिचुलेट का मतलब यहाँ पर सरेंडर हुआ। इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब होता है इसेंशियल, हम बोलते हैं ना कि हम ये जो है ना इंटीग्रल पार्ट है बहुत, मतलब हमारे घर का जो है ना, कोई आदमी को आप अगर बोलते हैं कि हमारे घर का जो है ये बंदा जो है ना इंटीग्रल पार्ट है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल, बहुत ही ज़्यादा जरूरी पार्ट है, ये हमारे मेम्बर है। रैंसिड का मतलब होता है बदबूदार, ठीक, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्टेल, स्टेल मतलब बासी, बदबूदार, ये सब हो सकता है। स्लगिश का मतलब होता है इंडोलेंट, लेजी, लेथार्जी, कल वाले वीडियो में क्या करवाए थे, एक टॉर्पिड भी करवाए थे, टॉर्पिड, टॉर्पिड का मतलब वही बताए थे ना, लेजी, तो वही है टॉर्पिड का, इसमें टॉर्पिड भी बोल सकते हैं, लेजी भी बोल सकते हैं, लेथार्जिक, स्लगिश का मतलब लेथार्जिक, लेजी, ठीक है ना। प्रीफेस, तो अब प्रीफेस का मतलब तो आपको पता, आसानी से पता चल गया, प्रीफेस का मतलब क्या हुआ, प्रीफेस का मतलब कि बुक के ऊपर प्रीफेस रहता है ना, उसी को हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट बोलते हैं या प्रीएम्बल बोलते हैं। जैसे प्रीएम्बल भी जो है फर्स्ट पार्ट में ही रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बना हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पार्ट में ही है, तो उसी को हम लोग फेस के पहले, मतलब फेस तो बुक हुआ मान लो और बुक के पहले, तो उसको हम लोग प्रीफेस बोलते हैं, तो उसको हम लोग इंट्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे हमारे फेस, कोई हमको देखने से पहले अपना, मेरा इंट्रोडक्शन अगर लेगा, हमको देखने से पहले कोई मेरा इंट्रोडक्शन लेता है कि कौन है ये बंदा, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल नहीं लेता है, रिज्यूम, हम लोग किसी कंपनी में ही रिज्यूम देते हैं अपना, तो पहले हमारा थोड़ा सा हल्का फुल्का जान लेता है हमारे बारे में, उसके बाद हम जाते हैं इंट्रोडक्शन देने, तो वही हुआ प्रीफेस मतलब इंट्रोडक्शन, इस तरह से याद कर सकते हैं। जेनरस, तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आया हुआ है पिछली बार भी, जेनरस का मतलब होता है चैरिटेबल, बेनिवोलेंट, काइंड, काइंड सॉरी काइंड बोलते हैं इसको, काइंड, काइंड मतलब दयालु, ठीक, तो ये आपका जेनरस का मतलब हो गया। वैरी ऑफ, वैरी पिछली बार आया था इसमें कि वैरी के साथ प्रीपोजिशन कौन सा लगेगा, तो वैरी के साथ हम क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं, वैरी ऑफ, ये बहुत ही वीवी है, ये देखिए पहले से हम इसको लिख के रखें, पिछली बार आया था जो भी, तो वो हम करा रहे हैं। वैरी ऑफ का मतलब देखो, पहला होता है वैरी, तो वैरी का मतलब होता है कॉशस, चेरी, CHARY, केयरफुल, अलर्ट भी बोल सकते हैं, अलर्ट, ये सब आपका सही नो हो गया, और वैरी के साथ क्या लगाएंगे, प्रीपोजिशन ऑफ लगाएंगे, ठीक। ऑब्स्क्योर, ऑब्स्क्योर का मतलब होता है पजल्ड, कन्फ्यूज, ऑब्स्क्योर का मतलब होता है पजल और कन्फ्यूज, देखिए इसका वर्ड भी आप याद करना चाहिए, OBSCURE, ठीक। गुलीबल, गुलीबल का मतलब होता है क्या, एकदम सीधा साधा आदमी जो नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं गुलीबल, इसको नेव भी बोल देते हैं, NAIVE, और इंजेनस, INGENOUS, ठीक, एक होता है इंडिजेनस, ठीक है ना, इसमें DI लगा करके यहाँ से फिर लिख दीजिए, इंडिजेनस, तो उसका मतलब होता है क्या, स्वदेशी, ठीक। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का मतलब बहुत ही प्यारा वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का मतलब क्या, आउट ऑफ डेट, जो मतलब पुराना जमाना, चाहे अब जो है ना उसका टाइम नहीं रहा, जैसे होता है ना पहले हमारे जो घर में TV होता था, कैसा होता था, डब्बा वाला जो बॉक्स वाला जो TV होता था, वो अब वो ऑब्सोल्यूट हो चुका है, मतलब वो आउट ऑफ डेट हो चुका है, अब वो नहीं, अब तो LCD LED चलता है, ठीक। इनिमिकल, इनिमिकल का मतलब होता है हार्मफुल, इनिमिकल से ही आप समझ में आ रहा है, मिकल, मिकल, मिकल से आपको थोड़ा लग रहा है कि हाँ हार्मफुल, पहले कल क्या करवाए थे, एक ऑबनॉक्सियस भी करवाए थे, ऑबनॉक्सियस, XIOUS, ऑबनॉक्सियस, ऑबनॉक्सियस का भी मतलब वही होता है, हार्मफुल होता है, देखो है ना, नॉक्सियस, नॉक्सियस भी बोल सकते हैं, ऑबनॉक्सियस भी बोल सकते हैं, एक नॉक्सियस हो गया, ऑबनॉक्सियस हो गया, हॉस्टाइल हो गया, और हार्मफुल तो होता ही है। इनिमिकल कितना हो, एक वर्ड का कितना हो गया, पांच पांच वर्ड बता रहे हैं। वेटरन का मतलब क्या होता है, जो महारत, जिसको जो है ना महारत हासिल होता है, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेटरन बोलते हैं, ठीक। वेटरन का मतलब एक्सपीरियंस्ड। तो इस तरह से हम लगभग कितना का वर्ड कराए हैं, उनके लगभग सिनोनिम्स आपको 11 या 10 करवाए हैं, और उसके साथ चार चार दो दो किसी में बताए हैं आपको, तो इस तरह से 25-30 तो इधर हम आपको करवा दिए, सिनोनिम्स करवा दिए, पांच इधर आपका idioms करवा दिए। तो इस तरह से अगर रेगुलर हम आपका एग्ज़ाम 14 तारीख से 15 से एग्ज़ाम आपका स्टार्ट होने वाला है, तो उस तब तक हम करा देंगे, इतना करा देंगे कि आपका 250
500 इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो हो जाएगा ऐड। इसमें से फिक्स है कि श्योर है कि आपको 3-4 नंबर तो आ ही जाएंगे फिक्स, मतलब सियोरिटी के साथ अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो। तो अगर नए नए स्टूडेंट जो भी होंगे चैनल, नए जो भी भाई होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।